धनतेरस का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। इसी दिन से दीपावली का त्यौहार शुरू हो जाता है और इसी दिन से हम लोग दीपावली की खरीदारी शुरू कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत शुभ होता है। मकान की बुकिंग, गाड़ियाँ, जेवर से लेकर बर्तन खरीदना सभी कुछ शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। दरअसल दुनिया में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग अपनी क्षमता के अनुसार सोना, चांदी व पीतल के बर्तन इसी दिन ही खरीदते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी दिन लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो बहुत अशुभ होती हैं। लक्ष्मी जी आती तो क्या हैं, बल्कि उल्टा चली जाती हैं। फिर हम कहते हैं सब कुछ तो सही किया था, ये गड़बड़ कहाँ पर हो गई। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा गड़बड़ी हम कहाँ कर जाते हैं। धनतेरस के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार लोहा को शनि का कारक माना जाता है। इसलिए इस दिन लोहा खरीदने से शनि का प्रकोप बढ़ सकता है। इसलिए कुछ भी खरीदना, लेकिन लोहा तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना। दूसरी चीज समझिए, लोहा की तरह ही एल्यूमिनियम पर भी राहु का प्रभाव होता है, और ये हमको पता ही है, राहु और शनि इन दोनों का गलत ही प्रभाव होता है। इसलिए आप धनतेरस पर एल्यूमिनियम के बर्तन बिल्कुल भी ना खरीदें, क्योंकि ये भी अशुभ कारक ही माने जाते हैं। आमतौर पर लोग धनतेरस पर स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि स्टील भी राहु का कारक माना जाता है। धनतेरस के दिन मानव निर्मित धातु नहीं खरीदनी चाहिए। जो धातुएं प्राकृतिक होती हैं उन्हें ही हमें खरीदना चाहिए। जो धातुएं मैनमेड हैं, जो इंसान मिलावट करके बना रहा है, वह हमें नहीं खरीदनी है इस दिन। दूसरी चीज, जब आप कांच की बनी सुंदर सुंदर चीज़ें मार्केट में देखते हैं तो आपका मन बहुत ललचा जाता है कि इन्हें हम ले लें, बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर इन्हें धनतेरस के दिन आप खरीदते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कांच का संबंध भी राहु ग्रह से ही होता है, और राहु ग्रह आपके जीवन में अच्छा प्रभाव नहीं डालता है। अगला आप जानिए, काले रंग की कोई भी वस्तु हमको इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। काला रंग हिंदू धर्म में शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप धनतेरस पर गाड़ी ले रहे हैं तो काले रंग की बिल्कुल भी ना लें। अगली चीज जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, वह आपको थोड़ी अजीब लगेगी। हम सभी धनतेरस पर एक दूसरे को गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि धनतेरस के दिन हमें किसी के लिए गिफ्ट नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी के लिए आप गिफ्ट लेने के लिए अपने पैसों को खर्च करते हैं, और वो भी धनतेरस के दिन आप अपने घर की लक्ष्मी किसी और को देने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया क्या नहीं खरीदना चाहिए, इसमें राहु होता है, उसमें शनि होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस दिन क्या खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। खासतौर पर चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यह धन के देवता कुबेर का प्रतीक है और इससे कुबेर भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। अगर आप सोना नहीं ले सकते हैं तो आप थोड़ा बहुत चांदी ले लीजिए। अगर आप आज के दिन पानी भरने का कोई बर्तन लेने की सोच रहे हैं तो आप उसे आज के दिन अवश्य ही ले लीजिए, क्योंकि पानी भरने का बर्तन आज के दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन बर्तन लोहे का, एल्यूमिनियम का और स्टील का नहीं होना चाहिए। इस दिन आप गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ भी खरीद सकते हैं, जिनकी दिवाली पर आप पूजा करते हैं। ये मूर्तियाँ आप स्फटिक की, चांदी की या पीतल की ले सकते हैं। इस दिन आप खील बतासे, मिट्टी के दिए अवश्य घर में लेकर आएं। इससे कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसी दिन अगर आप लेना चाहें तो लक्ष्मी जी का श्री यंत्र भी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे आप अच्छी तरह से लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अधिक फ्रॉड होता है। इसलिए सस्ते के चक्कर में खराब चीज़ बिल्कुल भी मत लीजिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा आप घर की ज़रूरतों की चीज़ें भी ले सकते हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, मिक्सर ग्राइंडर, कुछ भी ले सकते हैं। बस उनका कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी चीज़ का कलर ब्लैक है, उसे किसी और दिन आप खरीद लीजिए।
मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन क्या हम एक चीज़ को भूल गए हैं? तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, वह खास चीज़ है झाड़ू। जी हाँ, झाड़ू धनतेरस के दिन हमें ज़रूर ही खरीदना है, क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ही झाड़ू से होती है। धनतेरस के दिन हमें नई झाड़ू अपने घर में लानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं झाड़ू हमारे घर की दरिद्रता को दूर करती है। इसलिए हमें झाड़ू तो आज के दिन अवश्य ही खरीदनी चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन हमें किसी को पैसे उधार नहीं देने चाहिए। अगर कोई पैसे मांगने वाला भी उस दिन मांगे तो उन्हें भी आप उस दिन मना कर दीजिए। अगले दिन चाहे आप उसकी डबल मदद कर दीजिए, लेकिन उस दिन आप उसको बिल्कुल मना कर दीजिए। किसी को पैसे आज के दिन हमें नहीं देने चाहिए। अगली चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह बहुत ही सस्ती चीज़ है, लेकिन उसका परिणाम बहुत ही शुभ होता है। वह चीज़ है धनिया। दिवाली वाले दिन लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी जी को धनिया अवश्य चढ़ानी चाहिए। फिर उस धनिया के कुछ दाने गमले में बो देने चाहिए। अगर उससे बहुत ही स्वस्थ पौधा निकलता है तो पूरे वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। अगली चीज़ है मिट्टी, जो कि बहुत ही सस्ती मिल जाती है। अगर आप महंगी चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आप मिट्टी से बने हुए बर्तन भी ले सकते हैं। मिट्टी की मूर्तियां तरह तरह की मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाती हैं, आप वह भी ले सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर लक्ष्मी माता की कृपा आप पर नहीं हो रही है, अभी भी आपको परेशानियां हैं, तब मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रही हूँ, जिससे माता लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। इस दिवाली पर आप एक नई झाड़ू खरीदें और इस नई झाड़ू से अपने पूरे घर में धनतेरस के दिन सफाई करें, और इसके बाद नई झाड़ू को छिपाकर रख दें, उसे बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। साथ ही लक्ष्मी पूजा में दीपावली के दिन एक या दो हल्दी की गांठ पूजा में रख दें। ध्यान रखना है कि पूजा के बाद इन हल्दी की गांठों को अपनी तिजोरी या जहां पर आप अपने पैसे गहने रखते हैं, आपको उसमें इसको रखना है। ऐसा करने से धन में ऐसी बरकत मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी सारी खरीदारी करने के बाद सभी को अंत में मेरी तरफ से धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने फैमिली ग्रुप्स में और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलता रहे।